चैप्टर 11 26 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आज चैप्टर में क्या हुआ थोड़ा मैं याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा लुच्ची वो सिंह की स्टसी एक्शन में मर चुकी है और वहाँ पर काकू एकदम चुपचाप था। इसके बाद आगे हम लोग सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न बोलता है हम लोगों ने थोड़ा बहुत फंबल तो कर दिया बट हमारा जो मेन काम था हम लोगों ने वो निपटा दिया है, बस वेगापंक के सिनेरियो को छोड़ के ये हमारे लिए लॉस हो गया थोड़ा। बट आगे हम लोग देखते हैं इमु सामा की तरफ से डिवाइन पनिशमेंट फॉर सैटर्न। सारे के सारे वाइस एडमिरल्स के सामने सैटर्न को एकदम इमु सामा ने मार दिया है। चारों तरफ ब्लैक फ्लेम्स देख रही थी। सिनेरियो देख के कुछ ऐसा लग रहा था कि इमु सामा अपना पावर सैटर्न से वापस ले लिया है, जिसके कारण सैटर्न एकदम स्केलेटन में बदल चुका है। एंड इमु सामा वाज सेइंग कि इस एस्केप के पीछे जॉयबे वाज द वन, तो तुमने इसको होने कैसे दिया। आगे हम लोग देखते हैं शाका एटलास एडिसन एंड पाइथागोरस सब लोग मिलकर एक हो जाता है, मतलब एक वेगापंक बन जाता है। और सीन कट होने के बाद हम लोग देखते हैं गार्लिंग फिगरलैंड बन चुका है न्यू एल्डर। और चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने ड्रैगन को देखा था, ही वाज सेइंग लोग सेफ प्लेस ढूंढने के लिए एक दूसरे को मारने लगे, इससे पहले हम लोग को जीत हासिल करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। अब चलो हम सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स एंजॉय करते। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई बस तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। या फिर चैप्टर का टाइटल है पेबैक, मतलब यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा है कुछ बदला रिवेंज टाइप का हम लोगों को कुछ दिखाने वाला है चैप्टर के अंदर। ओरिजिन से हमेशा टाइटल के साथ चैप्टर का कनेक्शन रखता है। ओके आगे कवर Yamato discovers that Sober Shop's girls have disappeared too. Okay, but chapter start hota hai Shanks se. Shanks crew versus Bartholomew crew. The Bartholomew pirates are defeated and the Shanks pirates give them a poison intended to kill Luffy within a month. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस वाला चैप्टर के अंदर हम लोग शैंक्स को देखने वाले, बट देख लिया। और हम लोग को पता था बार्थोलोमियो ने क्या कांड करके कर, वो शैंक्स के टेरिटोरी पे गया था और वहां पर जाके रेड हेयर पायरेट का जो फ्लैग है वो जला के लूफी का फ्लैग लगा दिया था, मतलब स्ट्रॉ हैट्स का फ्लैग लगा दिया था। और जब शैंक्स को ये पता चला था तब शैंक्स ने रवाना कर लिया था बार्थोलोमियो पायरेट को पेलने के लिए। तो फाइनली अकॉर्डिंग टू द स्पॉयलर्स यहाँ पर हो रहा है शैंक्स क्रू वर्सेस बार्थोलोमियो क्रू, जहां पर इजिली शैंक्स क्रू बार्थोलोमियो क्रू को एकदम डिफीट कर दे, जो एक्सपेक्टेड था भाई। चलो यहाँ पर लिखा शैंक्स ने बार्थोलोमियो पायरेट्स को पॉइजन दिया है एक महीने के अंदर लूफी को मारने के लिए, कुछ वी कांट बिलीव भाई, कम ऑन। तो कुछ बोलने से पहले हम लोग आगे रीड करते हैं। However, Bartholomew drinks the poison himself to save Luffy. Oh my god, loyalty? But the poison turns out to be fake. It was merely a loyalty test from Shanks. Oh my god, bro. What is happening? Shanks ne aisa किया तो किया क्यों है? फर्स्ट पहले रीड करने के बाद दिमाग में सडनली आ रहा था कि शैंक्स इज अ एविल कैरेक्टर, जो थ्योरी चल रहा था वो लग रहा था कि सच होने वाला है। बट चलो आगे रीड करने के बाद लग रहा है कि सिनेरियो अलग है। शैंक्स ने थोड़ा बार्थोलोमियो को जो लॉयल्टी है लूफी के लिए टेस्ट करने के लिए उसको ये करवाया, चलो पॉइजन दे रहा हूँ इससे लूफी को तुम लोग एक महीने के अंदर मार देना। बट बार्थोलोमियो ने बिना कुछ सोचे उस पॉइजन को खा लिया। He's a fucking G bro. चलो भाई, this is what we expect from Bartholomew, right? Because शुरू से हम लोग देखते हुए आ रहे थे वो लूफी को as a Luffy senpai मानता है। पर यहाँ पर एक question ये raise हो रहा है कि यहाँ पर शैंक्स ने ये काम किया क्यों? मतलब poison दिया लूफी को मारने के लिए, बाद में जाके उसका loyalty test हुआ, लेकिन इसके पीछे reason क्या हो सकता है? Because हम लोगों को पता है शैंक्स को भी वन पीस को क्लेम करना है, उसने खुद बोल के रखा है कि लेट्स गो एंड क्लेम वन पीस। तो इट्स अ कंपटीशन जहां पर सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो बार्थोलोमियो यहाँ पर लूफी के लिए लॉयल है या फिर नहीं, इससे शैंक्स को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला था, राइट? बट स्टिल यहां पर शैंक्स ने बार्थोलोमियो को टेस्ट किया, राइट? कि बंदा लूफी के लिए सही है या फिर नहीं। दैट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग मेरे ऊपर से, ये ब्रीफ स्पॉयलर्स है चैप्टर का 20%, तो ठीक से पता नहीं चल रहा। अब यहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखो हम लोगों को पता है बार्थोलोमियो ने शैंक्स का फ्लैग जला दिया फिर लूफी का फ्लैग लगाया, तो शैंक्स को शायद ऐसा लग सकता है कि उसने लूफी और शैंक्स के साथ दंगल करवाने के लिए ऐसा किया, तो उसने उसको पॉइजन ऑफर किया कि चलो तुम लूफी को एक महीने के अंदर मार दो, बट बार्थोलोमियो ने पॉइजन को खा लिया। ये से शैंक्स को पता चल रहा है नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा, ही इज लॉयल टू लूफी। चलो अभी के लिए तो मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो, तो बाकी इसके बारे में पूरा हम लोग खोल के बात करेंगे फ्राइडे को। ओके आगे, एज द बार्थोलोमियो पायरेट्स ट्राई टू एस्केप यसोप शूट्स एट देम एंड बार्थोलोमियो शिप एक्सप्लोड्स इन द सी। ये करने की जरूरत नहीं, उनकी शिप को फोड़ने की जरूरत नहीं, बट अगेन चैप्टर का टाइटल क्या है? पेबैक, राइट? मतलब बदला तो हो गई, शैंक्स इज अ यंको तो इज्जत तो है भाई, बार्थोलोमियो ने उनके फ्लैग को जला दिया तो इसके बदले तो शिप जाना ही था, ये ऑब्वियस था भाई, कम ऑन। ओके आगे, टिच रिटर्न्स टू हाचिनोजो फ्यूरियस एट पिजारो for allowing Kobe to escape, but he congratulates Kuzan for capturing Gar. Okay, चलो फाइनली ब्लैकबियर्ड आ चुका है अपने आइलैंड पर, और हमको पता है पिजारो ने कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाया था गार का एंड कोबी वहां से भाग गया, तो ब्लैकबियर्ड वहां पर गुस्सा होगा इतना तो नॉर्मल था, बिकॉज कोबी को लेकर उसका प्लान ही अलग था जो हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमे के अंदर देख के रखा है। और ब्लैकबियर्ड सच में ये देख के सरप्राइज हो गया कि गार्प को कुजान ने कैप्चर किया, आफ्टर ऑल कुजान एक टाइम में मरीन था और कुजान का मास्टर कौन था?
गार्ब। उसने गार्ब को ही कैप्चर कर लिया, तो ये देख के ब्लैक बियर्ड खुश होगा ऑफ कोर्स। चलो उसने ऐसा किया इसका मतलब ये मेरे को कभी फ्यूचर में बिट्रे नहीं करने वाला है, बट मेरे को डीप डाउन लगता है कुजान इज प्लानिंग समथिंग बिग। उसने जो गार्ब को कैप्चर किया ना, इसके पीछे भी कोई रीजन है। शायद वो ब्लैक बियर्ड का जो लॉयल्टी टेस्ट है ना, उसे पास होना चाहता है। फॉर दैट रीजन उसने ऐसा किया। नहीं तो कैरेक्टर लाइक कुजान ब्लैक बियर्ड के पायरेट ज्वाइन करेगा बिना कोई मोटिव, बिना कोई गोल के, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। शायद हम लोग बहुत ही जल्द ऐसा कुछ देखने वाला है जहां पर कुजान उसको बिट्रे करेगा फॉर श्योर। बट फॉर नाउ ब्लैक बियर्ड हाचिनोज़ ऊपर आ चुका है। हम लोगों को पता है कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर कैरिबो को लेकर ब्लैक बियर्ड के पास जा रहा है, बिकॉज कैरिबो कुछ सीक्रेट जानता है जो ब्लैक बियर्ड को अच्छा लगने वाला है, जो ब्लैक बियर्ड को हेल्प करने वाला है। तो यहाँ से भी थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग मेरे भाई। ओके आगे, टू डेज आफ्टर एगेट इंसिडेंट, थाउजेंड सनी डिसअपीयर्स इन द सी विथ लूफी, सांजी, नामी, जोरो, चॉपर एंड उसोप। ये अनएक्सपेक्टेड था भाई, मतलब थाउजेंड सनी एकदम डिसअपीयर हो चुका है, गायब हो चुका है। लूफी, सांजी, नामी, जोरो, चॉपर, उसोप जो मेन स्ट्रॉहेड्स है, स्ट्रटिंग से हम लोगों के साथ है, ये मेन मेंबर्स गायब हो चुका है विद सनी, विच इज एक्चुअली लाइक अनएक्सपेक्टेड ब्रो। यार प्लीज डोंट टेल मी कि हम लोग एल्वफ में नहीं जाने वाले, यार ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अभी ये चैप्टर थोड़ा मिस्टीरियस बन गया अगेन। ये ब्रीफ स्पॉइलर है, जब तक चैप्टर रीड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा एक्चुअली में सिनारियो क्या है भाई। बट ये न्यूज एक्चुअली में शॉकिंग है ब्रो। इतना हम लोगों को पता है इमो को उल्टा करोगे तो उमी होता है, और उमी का मतलब है सी। तो बोला जाता है इमो इज ए सी डेविल, तो ऐसा होने का चांसेस है। लोग बोलते हैं इमो सी को कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर दैट रीजन मे बी ऐसा सिनारियो हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है भाई। अब चलो अगर ऐसा ना भी हो तो देयर्स अनदर मैन, मिस्टीरियस मैन आउट से, दैट इज मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। हम लोग को बता चुका है ये लोग, यहाँ पर क्लियरली बोला गया था, इट इज से दैट मैन कैन बी फाउंड ऑन अ पीच ब्लैक शिप एंड इफ एनीवन सेल्स नियर द एंड अप स्वेलिंग बाय जायंट व्हर्लपूल्स। मेरे भाई क्या ऐसा होने का चांस है कि इसके पीछे जो है दैट इज मैन मार्क्ड बाय फ्लेम, बिकॉज हम लोग वन पीस के बहुत दूर तक आ चुका है, अभी तो चीज रिवील होंगे राइट। बट कुड बी पॉसिबल कि जो हमारा शिप है उसको जायंट वर्लपूल ने अंदर निकाल दिया और समथिंग, और इसके पीछे मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। और मेरे भी यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये कि हमारा फर्स्ट फाइव स्ट्रॉहेड्स यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो ये जो प्लॉट लाइन है ना, इसको बहुत सालों पहले यार ओडा सेंसे ने सोच के रखा था। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने सडनली डिसाइड किया ना। और जो हमारे पांच स्ट्रॉहेड्स है ना, दे आर द सेम वन जो अरबस्ता में बीबी के साथ ट्रेवल किए थे राइट। तो मेरे भाई क्या ऐसा हो सकता है कि बीबी ने मॉर्गन को बोल के ऐसा करवाया ना भाई। बिना चैप्टर रीड किए कुछ बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी मैं चाहता हूँ इसके ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करो। बट चलो आगे जो भी हो जाए, मैं बस चाहता हूँ यार हम लोग एल्वफ में चाहे, प्लीज यार एल्वफ को और डिले ना करो भाई। एल्वफ जाते जाते हम लोग एगेट में पहुंच गए, अभी एल्वफ जाने वाले थे, अभी स्ट्रॉहेड्स गायब हो चुके हैं भाई, ऐसा तो ना करो ओडा सेंसे। बाकी स्पॉइलर्स बैंगर है, चैप्टर बहुत बढ़िया होने वाला। आगे रीड करते हैं, द रिमेनिंग स्ट्रॉहेड क्रू अलॉन्ग विद बॉनी, लिलिथ एंड द जायंट्स आर स्टिल ऑन द एल्वफ शिप लेफ्ट इन शॉक। उनके सामने ऐसा हो, उनके आंखों के सामने पांच जो मेन स्ट्रॉहेड्स है वो गायब हो चुके हैं, तो वो लोग तो शॉक होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो रास्ता है यहाँ से सेपरेट होने वाला है। एल्वफ शिप के अंदर जायंट्स के साथ जो बाकी स्ट्रॉहेड्स है वो शायद डायरेक्ट चले जाएंगे एल्वफ में, और हमारा जो ओरिजिनल पांच स्ट्रॉहेड्स है वो शायद कुछ अलग चीजें फेस करने वाला है। बट क्या फेस करेगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है यार। चैप्टर आने जिसको लेकर डिटेल्स में बात करेंगे चैप्टर रीड करने के बाद फ्राइडे को। एट द एंड ऑफ द चैप्टर नामी वेक्स अप इन अ स्ट्रेंज रूम, और इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड गुड न्यूज, देयर इज नो ब्रेक इन द नेक्स्ट वीक, बट नामी की होश आई एंड नामी एक स्ट्रेंज रूम में है, तो एटलीस्ट हम लोग को पता चल रहा है कि उनको किसी और ने गायब किया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किसने किया है, जिसने किया है वो क्या हमारे साथ में है या फिर हमारे अगेंस्ट में है, ये सोचने वाली बात है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो। तुमको क्या लग सकता है लूफी जिसके नाम में इतना वजन है, गियर 5 सन गॉड निका, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है भाई। तो बाकी अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, और बाकी चैप्टर आने के बाद इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज यार अभी कुछ बोलना इज नियरली इम्पॉसिबल भाई। कुछ हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोग चैप्टर रीड नहीं किए, तो ऐसा प्रेडिक्ट कर नहीं सकता भाई, सिनारियो देखना पड़ेगा हमको। प्लस अगेन नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो लगातार 3 वीक हम लोग वन पीस कंटेंट एंजॉय करने वाला है। चलो बाकी स्पॉइलर मस्त है, और पूरी स्पॉइलर चैप्टर का 20% है, तो चैप्टर आने के बाद इसको लेके हम लोग खुल के बातचीत करेंगे फ्राइडे को। तो इसके लिए मेक श्योर तुम लोग लाइक करो इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है तो सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।